भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को ऐतिहासिक बजट करार दिया है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में प्रदेश का भी ध्यान रखा गया है और 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को 81,970 करोड़ रुपए बजट दिए गए हैं। साथ ही मंडी में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य और कई सौगातें हिमाचल को बजट में दी गई हैं। कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा 17, 18 व 19 फरवरी को धर्मशाला में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, चारों सांसदों सहित भाजपा के तमाम विधायक, नेता व पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में वर्ष 2022 में मिशन रिपीट को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अधिकतर लोग भाजपा विचारधारा से जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के चारों नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा जीत दर्ज करेगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, विशेष रूप से एक तो जो बजट लोकसभा के अंदर पेश किया गया है उसको लेकर, और एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद के अंदर पेश किया, और ये प्रयास किया गया कि हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा जाए, एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट, और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी बने, हम तेज गति से विकास करें, हम आर्थिक रूप से, हम सामरिक रूप से सुदृढ़ हो, और उसमें चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें, हम जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल देने की बात करें, हम स्वच्छता की बात करें, शुद्ध वायु की बात करें, हम हर प्रकार से आगे बढ़े, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया। उसमें हिमाचल प्रदेश को भी बहुत बड़ी सौगात इस बजट में दी गई है, जहां 15वें वित्त आयोग के तहत 81,970 करोड़ रुपया, इसके साथ साथ मंडी के लिए एयरपोर्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपया, जहां धर्मशाला के एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए 400 करोड़ रुपया, और अन्य चाहे हमारा कृषि क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, हमारी शिक्षा है, हमारे दूसरे क्षेत्र है, हर जगह बजट का प्रावधान करके और बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को भी मिली है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है। और दूसरा जो मेरा आने का आज का प्रयोजन है वो हमारी प्रदेश कार्य समिति की, भारतीय जनता पार्टी की बैठक आगामी 17, 18, 19 तारीख को धर्मशाला में आयोजित होगी, जिसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, श्री शांता कुमार जी, श्री धूमल जी, और प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, और 2017 के प्रत्याशी, जिलों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, ऐसे करके सभी लोग सम्मिलित होंगे और आने वाले समय के लिए मंथन किया जाएगा। और जब हम लक्ष्य लेकर चले कि 2022 में सरकार हमारी फिर से रिपीट हो, हमारी सरकार बने, उसका रोड मैप तैयार किया जाए, उसको लेकर भी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। अभी पंचायतों के चुनाव में हमने क्लीन स्वीप किया है, और अभी चार जो कॉरपोरेशन के चुनाव है उसमें धर्मशाला है, पालमपुर है, सोलन है, मंडी है, चारों जगह हम इसी प्रकार से जीत का परचम लहराएंगे। और निश्चित रूप से कांगड़ा जिला में हमारे जो दो कॉरपोरेशन हैं उनको हम विजय करेंगे, उसकी दृष्टि से भी हम यहाँ बैठक भी करने वाले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसको हम जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे कि हम चारों कॉरपोरेशन भी जीतेंगे, पंचायतें हमने जीती है, उसके बाद शिमला कॉरपोरेशन को भी जीतेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे।